हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी ग्रुप स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उम्र निकालना मतलब एज कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, मान लीजिए आपका कोई भी आपका जन्मतिथि दिया हो और जिस डेट से आप निकालना चाहते हैं उस डेट से आप बिल्कुल आसान है निकाल सकते हैं कि उस दिन से मतलब वर्तमान समय दिया हो और आपका जो डेट है आपको निकालना आपको पता करना है कि आप किस मतलब कितने दिन कितने वर्ष और कितने महीने के हो गए। तो गाइज बिल्कुल आसान है, आप निकाल सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और तैयारी के लेवल के प्रश्नों को मतलब कि यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं उम्र निकालना मतलब कि एज कैलकुलेशन। तो गाइज सबसे पहला जो हमें यहाँ दिया है, मान लीजिए किस, तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख लेना है दिन माह वर्ष, उसके बाद वर्तमान डेट लिख लेना है जिस डेट से आपको निकालना है, मतलब जैसे आज के डेट से निकाला था उस डेट को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिसका जन्मतिथि निकालना है उसका जन्मतिथि को लिख देते हैं उसके नीचे और उसी को घटा देते हैं। तो चलिए, आज का दिन मान लीजिए 5/4/2021, उसके बाद जिसका मतलब हम निकालना चाहते हैं उसका जन्मतिथि है 1/1/2002। तो चलिए माइनस कर देते हैं, तो 2020 में से 2002 निकालेंगे, सॉरी 2021 में से 2002 निकालेंगे, तो गाइस कितना बचेगा आपका, बचेगा 2019। तो मतलब कि 2000 से 2000 कट गया, यहाँ पर यहाँ 21 में से 2 निकालेंगे आपको बचेगा 19। क्लियर। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका आप यहाँ ईयर में आपका 19 हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो माह है, माह 4 है और 4 में से 1 निकालेंगे आपको बचेगा 3, तो यहाँ पर 03। उसके बाद गाइस यहाँ पर 5 दिन में जो आ गए हैं, दिन में 5 है और जो जन्मतिथि में का है उसका 1 है, तो 5 में से 1 निकालेंगे आपका बच गया 4। मतलब कि जो जिसका जन्मतिथि 1/1/2002 है उसका वो अभी मतलब कि 5/4/2021 के वर्तमान डेट से हो गया है 19 साल 3 महीना 4 दिन का हो गया है। तो चलिए गाइस, ये आपका 1 कम्प्लीट हो गया और आप समझते चलिए, आप अपना भी आप किसी का भी मिनट निकाल सकते हैं वर्तमान डेट से उसका जन्मतिथि। तो गाइस सबसे पहले दूसरे का बात आते हैं, दूसरे का क्या है, यहाँ पर दिन माह वर्ष लिख लेंगे सिंपली से। उसके बाद गाइस यहाँ पर मान लीजिए आज कोई भी डेट दिया है, 15/7/1997 दिया है उसका, और मान लीजिए उस आदमी का जन्मतिथि है 12/4/1880। तो गाइज हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली से यहाँ से घटा देना जिस प्रकार हम इसे घटाएं, तो चलिए घटा देते हैं। तो गाइज यहाँ से 1987 में से आप 1880 निकालेंगे, तो गाइज कितना साल हो गया आप माइनस कर देते हैं, तो चलिए माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 में से 0 7 बचेगा, उसके बाद 9 में से 8 निकालेंगे आपको बचेगा 1, 9 में से 8 निकालेंगे बचेगा 1। उसके बाद गाइज यहाँ पर फिर 9 में से 8 निकालेंगे यहाँ पर बचेगा 1, फिर तो गाइज यहाँ पर 1 में से 1 निकालेंगे आपका बचेगा 0। तो गाइज मान लीजिए यहाँ पर जो वर्ष है 117 वर्ष का हो गया। उसके बाद गाइज यहाँ माह में 7 है, 7 में से 4 निकालेंगे आपका बचेगा 3। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं दिन जो है, दिन 15 दिया है और उसका जो डेट में का दिन जन्मतिथि में का दिन है आपका 12 दिया, तो 15 में से 12 निकालेंगे आपका बचेगा यहाँ पर 3। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं 117 वर्ष 3 महीना 3 दिन का मतलब वो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई बूढ़ा वगैरह होगा। चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर तीसरा मैं देख लेता हूँ, तीसरा क्या है यहाँ पर, वो जो डेट दिया है 25/9/2019 निकालना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो उनका उसका जन्मतिथि दिया है 17/7/1999, तो चलिए सिंपली इसे माइनस कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप 9 में से 9 निकालेंगे आपका यहाँ बचेगा 0, फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर 1 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ पर 1 उधार ले लेगा वो हो जाएगा 11 में से 9 बचेगा आपका 2। उसके बाद गाइस यहाँ पर बचेगा 9 में से 9 0, फिर यहाँ पर 1 1 0 मतलब गाइस यहाँ पर 20 साल हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर माह में जो दिया है 9 9 में से 7 निकालेंगे आपका बचेगा 2। उसके बाद गाइस यहाँ 25 में से जो दिन दिया है 25 और उसके बाद जो उसका जन्मतिथि में का दिन दिया है 17, मतलब 25 में से 17 निकालेंगे तो गाइस आपका कितना बचेगा, सिंपली से आप घटा देते हैं तो गाइस बच जाएगा आपका यहाँ पर आपका बचेगा 8। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 वर्ष 2 महीना 8 दिन का मतलब यह व्यक्ति हो गया है।
तो गाइस इसी प्रकार निकालते हैं। तो चलिए और बनाया है यहाँ पे और दिखा देते हैं। यहाँ पर आपका है कोई दिया है जन्मतिथि, जो डेट दिया है 3/8/1898 दिया है। उसके बाद गाइस जो यहाँ दिया है आपका उसका जन्मतिथि 5/6/1805। तो गाइस यहाँ से चलिए सिंपली से घटा देते हैं। तो यहाँ 8 में से 5 निकालेंगे आपका बचेगा 3, 9 में से 0 निकालेंगे 9, उसके बाद 18 में से 18 यहाँ पर सब कट गया, ये सब कट गया। तो गाइस चलिए यहाँ पर चलते हैं, फिर 8 में से 6 निकालेंगे आपका बचेगा 2, फिर से आप अब गाइस यहाँ बच जा रहा है मतलब 3 में से 5 निकलेंगे तो नहीं। तो गाइस सिंपली से हमें करना कुछ नहीं है, फिर यहाँ अब मतलब कि यदि आपका दिन वाला कम पड़ जाता है तो आप महीना से 1 महीना उधार लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर महीना वाला कम पड़ जाता है तो सीधा इससे वर्ष वाले से 6 महीना उधार 12 महीना उधार लेंगे, मतलब कि 1 साल पूरा उधार लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए दिन में कमी है तो यहाँ पर पूरा दिन जो माह वाला देगा इसे दिन को सीधा 30 दिन देगा, मतलब कि 1 महीना पूरा देगा। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर 7 ही बच गया, 7 में से 6 निकालेंगे 1, मतलब कि 7 महीना समझ ले जुड़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 30 दिन पूरा उधार दे दिया इसे, तो 30 और 3 33 दिन हो गया। 33 में से आप 5 निकालेंगे तो आपका बच जाएगा 28, तो मतलब यहाँ पर 28 हो गया। अब गाइस यहाँ पर 93 साल 1 महीना 28 दिन का ये हो गया व्यक्ति। उसके बाद गाइस चलिए आओ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वर्तमान डेट दिया है 9/3/2005। उसके बाद गाइस जो जन्मतिथि दिया है जन्मतिथि 3/5/1995 दिया है। तो चलिए सिंपली से इसे घटा देते हैं, तो घटा देते तो घटा 5 में से 5 0, फिर 9 यहाँ पर 0 में से 9 निकलेंगे नहीं उधार ले लेगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 9 निकलेंगे तो बचेगा 1 आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 9 बचा, 9 में से 9 घटेगा तो 0, यहाँ पर 1 में से 1 0, मतलब कि यहाँ पर 10 वर्ष हो गया। उसके बाद 10 वर्ष हो गया गाइस यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 में से 5 निकलेगा नहीं तो यहाँ हम आपको बताए थे कि मतलब कि अब मान लीजिए देखिए माह वाले में कम पड़ जाए, यहाँ 5 महीना पड़ जा रहा है और यहाँ पर आपका जो डेट दिया है 3 माह, तो 3 में से 5 निकलेगा नहीं तो गाइस फिर से मतलब इससे अब उधार लेगा वर्ष वाले से सीधा, मतलब कि 1 वर्ष उधार वर्ष वाला जो उधार देगा महीना वाले तो सीधा डायरेक्ट 1 वर्ष देगा, अगर दिन वाला अगर महीना वाला उधार देता है दिन वाले को तो सीधा 30 दिन मतलब 1 महीना पूरा उधार देगा। तो चलिए अब मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ 2005 में से 1 वर्ष सीधा डायरेक्ट दे दिया तो गाइस ये हो गया यहाँ पर यहाँ 18 वर्ष हो गया और यहाँ पर आपका 15 में से 6 निकालेंगे तो आपका बचेगा 9 वर्ष, यहाँ पर 9 वर्ष हो गया सॉरी 9 महीना हो गया। उसके बाद गाइस 31 में से 27 निकालेंगे आपका बचेगा, तो गाइस यहाँ पर आप 31 में से 27 निकालेंगे सिंपली से आपका बचेगा 4। तो गाइस आपका हो गया 18 वर्ष 9 महीना 4 दिन, मतलब कि जो व्यक्ति जिसका व्यक्ति है व्यक्ति का जन्मतिथि था 27/6/2002 उस दिन से 31/3/2021 निकालने पर उसका जो जन्मतिथि आ रहा है 18/9/4 मतलब कि 18 वर्ष 9 महीना 4 दिन का हो गया। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको एज कैलकुलेशन समझ में आ गया। एज कैलकुलेशन गाइस कुछ नहीं है, सिंपली से जो भी डेट दिया है मतलब कि जिस डेट से आप निकालना चाहते हैं तो उस डेट का यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर यहाँ वर्तमान डेट जो भी दिया जिस डेट से आप निकालना चाहते हो वर्तमान डेट में माइनस करेंगे आपका जो भी मतलब कि जन्मतिथि रहेगा, जो भी जन्मतिथि रहेगा सिंपली से घटा देंगे। घटाते समय गाइस यदि मान लीजिए वर्ष तो कभी घटेगा नहीं, अगर महीना वाला घटता है तो डायरेक्ट वर्ष वाले से 1 वर्ष डायरेक्ट उधार लेगा। उसके बाद गाइस अगर दिन वाले घटता है तो दिन वाला डायरेक्ट महीना वाले से उधार लेगा 1 महीना, और उसके बाद आप घटा देंगे जो भी मतलब शेष फल आएगा वही रहेगा आपका, मतलब कि मतलब वर्तमान जन्मतिथि में कितने दिन का आप हो गए हो। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, और फिर अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही सरकारी मतलब एग्जाम के रिलेटेड वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।